पीलीभीत पहुंचे भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिना नाम लिए उन पर तंज कस दिया, जो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यूं तो सांसद वरुण गांधी लगातार बगावती तेवर अपनाते नजर आते हैं, पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी अपने ही सरकार पर निशाना साधने में बिल्कुल नहीं चूकते, वही किसी को किसी वक्त भी निशाने पर ले सकते हैं, ये कोई भी सोच सकता है। आपको बता दें, पीलीभीत पहुंचे अपनी सभा को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान पास में खड़े एक साधु का फोन बजने लगा, जिसको लेकर अपने समर्थक साधु को टोकते नजर आए। तभी सांसद वरुण गांधी ने संवाद रोककर साधु को बुलाते हुए कहा कि महाराज अच्छे दिन आ गए हैं, इनको मत टोको, न जाने कब मुख्यमंत्री बन जाए। हालांकि अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी पार्टियां भी निशाना साध रही हैं। आपको बता दें, सांसद वरुण गांधी लगातार अपनी ही सरकार को निशाने पर साधते नजर आते हैं, हालांकि बात अगर कही जाए तो सही बात कहने पर बिल्कुल पीछे नहीं हटते। फिलहाल अभी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, जहां एक और कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी को भाजपा टिकट देगी या नहीं। ऐसे में मुख्यमंत्री पर तंज कसने के बाद राजनीति उत्तर प्रदेश में गर्माती नजर आ रही है। वरुण गांधी कहीं भी किसी वक्त भी किसी पर भी तंज कस देते हैं, ऐसे में उनके संवाद कार्यक्रम के दौरान भाजपा के लिए भी एक चुनौती बनी रहती है कि वरुण गांधी कब अपनी ही पार्टी पर कौन सा तंज कस देंगे। हालांकि जब वो तंज कसते हैं तो विपक्षी पार्टियां भी उनका समर्थन देने लगती हैं, और ऐसे में कहती हैं कि जब उनका ही सांसद उनके खिलाफ बोलने को तैयार है तो कहीं ना कहीं खामियां पार्टी के अंदर ही होंगी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेने वाले वरुण गांधी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उनका तंज पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा विपक्षियों के लिए बनता नजर आ रहा है। वरुण गांधी का सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को तंज कसने वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।